मेरा नाम शिवकांत वशिष्ठ और इस समय हम खड़े हैं श्री शिव मंदिर वनखंडेश्वर महादेव अति प्राचीन। यहाँ ये रिजोर ग्राम पंचायत का क्षेत्र है, ये हमारे रिजोर क्षेत्र में है, अंतर्गत ये शिव मंदिर आता है और यहाँ सबसे ज्यादा खासी भीड़ होती है सोमवार को और महाशिवरात्रि के आसपास। आज सोमवार का ही दिन है और आप देख लीजिए यहाँ किस प्रकार से आम आने वाले सड़क द्वारों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब रोड भाई को बता दे दो, भैया क्या दिक्कत हो रही है आपको आने से यहाँ पे? भैया आप यहाँ आए कहाँ से आए हैं आप? पीपल के लिए। आपका नाम? राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव, राहुल जी आप ये बताइए आप वहाँ से यहाँ तक आए हैं, बारिश से बहुत बुरा हाल है, रोड से आप आए हैं, किस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? प्रकार की दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, इतना गारा यहाँ पर है, बाइक नहीं आ पा रही है, लोग पैदल आने में प्रॉब्लम हो रही है, काफी प्रकार की सामना करना पड़ रहा है। ठीक है ठीक है भैया। यहाँ पे बारिश की वजह से काफी जल भराव की स्थिति है, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लबालब पानी से भरे हुए हैं और शासन प्रशासन को इसकी खबर नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे माननीय श्री विधायक जी डेविड वर्मा, विपिन वर्मा डेविड यहाँ पे कई बार आ चुके हैं और सांसद राजू भैया भी यहाँ कई बार चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अगर रोड की मरम्मत की बात करें तो उन्होंने कुछ भी ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हमारे साधु और हमारे बोल और हमारे चित्त के संत हैं, बहुत जाने माने हैं, आइए इनसे बात करते हैं। स्वामी जी आप यहाँ से लेके यहाँ तक आए हैं, आपको रास्ते में किस प्रकार की दिक्कत का सामना हुआ है? किस प्रकार की दिक्कत का सामना हुआ है आप कीचड़ में चल के आए हैं? बहुत प्रकार की दिक्कतों का सामना हुआ है स्वामी जी को। इनका कहना है कि रास्ते में कीचड़ की वजह से चलने में बहुत दिक्कत हो रही है, साथ ही साथ यहाँ फोर व्हीलर वाहन और दुपहिया वाहन जो आ रहे हैं उनको भी दिक्कत हो रही है। उधर से कीचड़ के साइडों सूखा हुआ वाहन खड़े करके आ रहे हैं। हाँ भाई साहब, कहाँ से आए आप? ग्राम फतेहपुरा है। अच्छा, ग्राम फतेहपुरा से। आपका शुभ नाम? उपेंद्र। उपेंद्र जी आप ये बताइए, आप यहाँ से यात्रा आए और आए का सफर भी तय करेंगे, बारिश के बिगड़े हुए मौसम में आपको किस प्रकार की दिक्कत का सामना हो रहा है? दिक्कत का तो सामना हो ही रहा है, यहाँ की छब्बड़ है और बाग भाग नहीं पहुँच रही है और पैदल भी लोग मुश्किल ही पहुँच रहे हैं। इनका कहना ये है कि बारिश के बिगड़े हुए मौसम में हालात इतनी बदते बदतर है कि यहाँ पे आने बहुत दिक्कत हो रही है। आप देख पा रहे हैं ली गई हाल की तस्वीरों में किस तरह की यहाँ व्यवस्था गड़बड़ है, यहाँ पे कीचड़ है, लोग चलने में असमर्थ हैं और शासन बोलना तू बोल। यहाँ जो रोड की कंडीशन है, अब राहुल जी आप उधर दिखाइए, जब बहुत कहने पर शासन प्रशासन को उसकी सूचना दी गई थी तो बहुत ही कहने पर रोड से लेके यहाँ तक की जो है ईंट बिछा के उनके कार को वहीं के वहीं समाप्त कर दिया है, लेकिन अगर हम आगे तक की व्यवस्था की बात करें तो हालत खराब है कि चलने में लोग असमर्थ हैं। जी हाँ, श्रद्धालु काफी आ रहे हैं, आइए कुछ बोलना तो बोलता। हाँ, तो हम लोग श्री शिव मंदिर वनखंडेश्वर ट्रस्ट की तरफ से कर्मचारी हैं और ये हम लोग दुख जताते होशियारगढ़ से। आपका शुभ नाम? राधा। हाँ राधा जी, ये बताइए आप यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक मंदिर तक गई हैं, आपको रास्ते में किस प्रकार की दिक्कत का सामना हुआ? मुझे कीचड़। ये कीचड़ का आपको सामना करना पड़ रहा है? इनका भी कहने का यही मतलब है कि यहाँ कीचड़ बाहर लगातार निरंतर बारिश से हो रहा है, कीचड़ जलभराव की स्थिति की वजह से यहाँ पे चलने में बहुत दिक्कत आ रही है। विपिन वर्मा डेविड से कई बार कहा गया था, वो भी कई बार आश्वासन झूठा आश्वासन दे के चले गए, लेकिन उन्होंने भी मामले की कोई जांच नहीं की और ना कोई इन्होंने काम की आश्वासन दिया। गाँव कहाँ से आए? ये रविंद्र जी है और पड़ोसी गाँव सिकंदरपुर के रहने वाले हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं किस प्रकार की दिक्कत का सामना हुआ है। रविंद्र जी आप ये बताइए, यहाँ से लेके आता है बाइक से आए हैं आप यहाँ गए, किस प्रकार की दिक्कत का आपको सामना हुआ है? कांडा है, कोई बढ़िया तरह से इस पर बाइक चलती है, बाइक चलती है बढ़िया तरह से और ये तो ज्यादा ही दिक्कत है, पैदल भी निकलना मुश्किल हो रहा है ना आपका। रविंद्र जी का भी यही कहना है कि पैदल चलने में दिक्कत है, तो बाइक और वाहन से पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। ये कहते हैं कि इनकी बाइक फिसलती है, बारिश देख भी सकते हैं, तस्वीरें भी ली गई हैं कि बाइक पैदल जाना दो बार तो बाइक कैसे पहुंचेगी, तो लोग फिर भी दिक्कत का सामना किसी भी तरह से अपनी बाइक वहां तक लेके जा रहे हैं।